हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर की डेलीगेट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। फटाफट रिवीजन के माध्यम से बात करेगी, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है, यहाँ पे हम 20 करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि एक दिन के लिए पैसिफिक वीडियो की करंट अफेयर्स होती है, इतना इंपोर्टेंट होती है। तो आज हम शुरुआत करने वाले करंट अफेयर। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन का प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और पीडीएफ्स को पाने के लिए आप लोग हमारे सोशल साइट है, उनको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ और नोट्स यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड होते रहे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया होगा सब कुछ। हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, तो भारत की पहली रीजनल रेल रैपिड एक्स कौन सी है? रैपिड एक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देखो, रीजनल रेल रैपिड जो एक्स रेल है, इसका उद्घाटन किसने किया, ये इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट है इसकी व्याख्या, एक्सप्लेन के बारे में बात करना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन यहाँ पे कहीं ना कहीं बनते हैं। तो फैक्ट की यहाँ पे बात करने से पहले, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रीजनल रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किया गया है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें, तो भारत की पहली रीजनल रेल रैपिड एक्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ, याद रखिएगा, दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ RRTS कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे पहले हिस्से का उद्घाटन किया हुआ है, जो रैपिड एक्स को नमो भारत के नाम से भी दिया गया है, याद रखिएगा। ट्रेन 21 अक्टूबर से आम लोगों के लिए शुरू की जाएगी, और रैपिड एक्स ट्रेनों का परिचालन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक के बीच होगा। तो याद रखिएगा, सुबह से लेकर 6 बजे से रात 11 बजे के बीच होगा, और इसका नाम का बात क्या, रैपिड एक्स को नमो भारत दिया गया है। ठीक है, फेज में जो पहले फेज है, इसका संचालन 17 किलोमीटर तक किया जाएगा, दिल्ली से मेरठ, बीच में गाजियाबाद ही पड़ता है। इसके कुल 5 स्टेशन भी होंगे, जैसे कि साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। तो ये जो 5 स्टेशन होंगे, इन स्टेशनों के बीच में इसका स्टॉपेज रहेगा, साथ में इसको दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाया जाएगा। तो भारत में पहली रीजनल जो रेल है रैपिड एक्स की शुरुआत की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में हो सकता है इसको पूछ भी लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव कौन सा है? श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसके बारे में कुछ बात करती है, इस उत्सव में मोटे अनाज के उत्पाद के लिए अच्छा काम करने वाला राज्य के किसानों को सम्मानित किया जाता है। तो श्री अन्न महोत्सव में क्या है कि मोटे जो अनाज होते हैं, मोटे अनाज में जो पैदावार करते हैं, उत्पादन होता है, जो अच्छा काम करते हैं किसान, उसको सम्मानित भी किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में मोटे अनाज की खेती और खपत के संबंध में लोगों और किसानों के बीच जागरूकता को बढ़ाना है। तो जो मोटा अनाज है, मोटे अनाज के बीच में लोगों और किसानों को इसके प्रति जागरूक करना है, इसको बढ़ावा देना, इसका लक्ष्य रखा गया, इसीलिए इसको सम्मानित किया जाता है। इस महोत्सव में मोटे अनाज से बने भोजन के करीब 40 स्टॉल भी लगाए गए। याद रखिएगा, मोटे अनाज से उत्पादों को जो बनाया गया है, खाने योग्य बनाया गया है, उस उत्पाद के 40 स्टॉल लगाए गए हैं। यही दर्शाना दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं ये मोटा अनाज अच्छा है और इसको प्रोत्साहित भी किया जाए। तो मोटे अनाज श्री अन्न महोत्सव के द्वारा लखनऊ में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, किस राज्य की टीम ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया है? तो पंजाब राज्य की टीम ने, रखिएगा, किसने? पंजाब राज्य की टीम के द्वारा T20 इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाया गया है। बात करते हैं, पंजाब क्रिकेट टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर के नाम था, जो कि IPL 2013 में 20 ओवर 5 विकेट और 263 रन का स्कोर बनाया था। हाल ही में पंजाब की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 20 ओवर में 6 विकेट लिए, मतलब कि यहाँ पे 1 विकेट ज्यादा ले लिया है, और 276 रन, मतलब कि यहाँ से भी 10 रन के आसपास यहाँ पे जो है रन ज्यादा बना लिए। तो इन्होंने 20 ओवर में 6 विकेट 276 रन बनाने का स्कोर पंजाब जो क्रिकेट टीम है उन्होंने अपने नाम कर लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का मंजूरी दी हुई? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्य है, उसने बाघ अभ्यारण्यों के लिए, किसके लिए? बाघ अभ्यारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा के लिए गठन की मंजूरी दी है। इसके बात करें तो इस फोर्स को नामदफा, पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व में तैनात किया जाएगा। इसके तहत कुल 336 पोस्ट भी कराए जाएंगे। बल में 3 बाघ अभ्यारण्यों के लिए 112 कर्मियों एक कंपनी शामिल होगी। प्रत्येक कंपनी को 3 प्लाटून और 18 अनुभाग के विभाजित किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कितना पोस्ट है, कहाँ कहाँ है, लेकिन हाँ ये आ सकता है किस किस रिजर्व में है। तो नामदफा, पक्के और कामलान टाइगर रिजर्व में तैनात किया जाएगा। ये 3 रिजर्व है, वहां पे तैनात किया जाएगा। साथ में
अगर कभी क्वेश्चन आता है किस अभयारण्य के लिए विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया, तो याद रखिएगा बाघ अभयारण्य के लिए या बाघ विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया अरुणाचल प्रदेश ने किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पत्रकार अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग का विमोचन किसने किया है? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया पुस्तक का विमोचन, और पत्रकार हैं अशोक टंडन, इन्होंने पुस्तक लिखी है, अशोक टंडन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है रिवर्स स्विंग, तो ये कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है। तो इसकी पुस्तक की बात करें तो द रिवर्स स्विंग कॉर्नलिज्म टू कॉर्पोरेशन किताब को प्रभात प्रकाशन द्वारा पब्लिश किया गया है। इस किताब में आजादी के बाद से, याद रखिएगा आजादी के बाद से ऐतिहासिक घटनाओं और भारत ब्रिटेन संबंधों में आए परिवर्तन के बारे में बताया गया। तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स स्विंग, इसको आप लोग पढ़िएगा और एग्जाम में आ सकती है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद कैसे भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है या उभर चुका है, तो ये इंपोर्टेंट है। तो इस पुस्तक के बारे में, मतलब कि इस पुस्तक के बारे में ऐतिहासिक घटनाएं दिखाई गई हैं, साथ ही आजादी कैसे हुई है ये भी दर्शाया गया है, साथ में भारत और ब्रिटेन के संबंध कैसे रहे हैं ये भी दर्शाया गया है, जब हम गुलाम थे भारत ब्रिटेन के संबंध कैसे रहे भी दर्शाया गया है, साथ में स्वतंत्रता की बात की गई है, साथ में सबसे बड़ी बात यह की गई है कि अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके से हमने आजादी के बाद कामयाबी हासिल की और पांचवी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आई है। तो कहीं ना कहीं ये जो बुक है रिवर्स स्विंग अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई है, इंपोर्टेंट बुक हो जाती है, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, एग्जाम हो सकता है इसको पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिटेक्स ग्लोबल 2023 पांच दिवसीय तकनीकी उत्सव किस देश में शुरू होने जा रहा है? तो दुबई में शुरू होने जा रहा है। कौन सा है? गिटेक्स ग्लोबल 2023 है, पांच दिनों का है तकनीकी उत्सव, टेक्नोलॉजी के बेस पर उत्सव को उस देश में शुरू किया जा रहा है, दुबई देश में शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य है एआई के गहन विषयों का प्रकाशन डालना है और एआई प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी के नैतिक सुरक्षा और नवीन आयामों की खोज करना है। इस आयोजन में एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब 3.0, साइबर सुरक्षा, जलवायु प्रौद्योगिकी, शहरी विकास और अन्य नवीनतम समाचार रुझानों के केंद्र को कार्य किया जाएगा। तो आप समझिएगा इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का, जैसे कि एआई, क्लाउड, वेब 3.0, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, और जलवायु टेक्नोलॉजी और शहरी विकास के यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो उत्सव है इंपोर्टेंट है और इंपोर्टेंट उत्सव के अलावा इसमें जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, गहन विषय है तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश में सियाचिन ग्लेशियर पर, याद रखिएगा देश में सियाचिन ग्लेशियर पर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने फीट की ऊंचाई पर पहला मोबाइल टावर लाया गया? तो 15,500 फीट की ऊंचाई पर, याद रखिएगा 15,500 फीट की ऊंचाई पर कहां पे सियाचिन ग्लेशियर में मोबाइल टावर लगाया गया है। इसकी बात करें तो इस मोबाइल टावर का रेंज 3 से 4 किलोमीटर तक रहेगा, इसमें 4G नेटवर्क उपलब्धता रहेगी। सेना की योजना है कि ऐसे टावर, मोबाइल टावर लगाए जाए ताकि सियाचिन के हर एरिया में बेहतर संचार नेटवर्क स्थापित किया जा सके। BSNL यह टावर सेना के संसाधनों की मदद से लगाया है जो सेना के मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए काफी कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आप याद रखिएगा 15,500 फीट की ऊंचाई पर 3 से 4 किलोमीटर की रेंज के दायरे में इसको लाया गया है और 4G तक की सुविधा इसमें प्राप्त दर्शाई गई है। तो इसी तरीके की सेना के द्वारा और भी बोला गया ऐसी तरीके के टावर लगाए जाए और सियाचिन आप समझ सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है जो कि भारत में स्थित है, ठीक है, तो इंपोर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, इसको बहुत इंपोर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत हुई है? श्रम शक्ति में बात किया 37% महिलाओं की भागीदारी रही, यह दर 2021-22 में 32.8% थी, 2023 में 4.2% से बढ़कर 37% की भागीदारी चुकी है। श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी सीधे रूप से आर्थिक विकास को संबंधित है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होने से उच्च सकल घरेलू उत्पाद और समग्र आर्थिक समृद्धि में योगदान देती है। तो कहीं ना कहीं श्रम शक्ति अगर आता है तो महिलाओं की भागीदारी 32.8 से बढ़कर 4.2% से बढ़कर 37% हो चुकी है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के लिए संवैधानिक संशोधन को अस्वीकार कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऐसा देश है जिसने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के लिए संवैधानिक संशोधन को ही अस्वीकार कर दिया। इसके बारे में बात करें, जनमत संग्रह में 60% लोगों ने नहीं में और 40% लोगों ने हाँ में मतदान किया। तो 60% लोगों ने नहीं में और 40% लोगों ने हाँ में मतदान किया। ऑस्ट्रेलिया ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के लिए संवैधानिक संशोधन को अस्वीकार कर दिया है।
जनमत संग्रह संविधान में बदलाव करने और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को संविधान में मान्यता देने के लिए आयोजित किया गया था, जो कि 60% लोगों ने नहीं में आंसर दिया है, इसीलिए वहां पे अस्वीकार कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए राष्ट्रीय जनमत संग्रह आवश्यकता होती है, याद रखेगा। जनमत संग्रह की पेटी बनाई जाती है, वहां पे लोगों के वोट डालने, मतलब वोट इन द सेंस अपने मत डालने को बोला जाता है। जितने मत जिस प्रतिशत में आते हैं उनको विभाजित करके देखा जाता है कि इसको मान्यता देनी है या नहीं देनी है। तो इसी तरीके से वहां पे 60% लोगों ने नहीं में आंसर दिया, तो वहां पे जनमत संग्रह को वहां पे क्या कर दिया, असंवैधानिक या अस्वीकार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मणिपुर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल बने हुए हैं। इनके बारे में बात करें तो कानून एवं न्याय मंत्रालय ने सिद्धार्थ मृदुल को, जो मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, हाईकोर्ट के नियुक्त किया है। और सिद्धार्थ मृदुल को 13 मार्च 2008 को, क्या 13 मार्च 2008 को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट में सिद्धार्थ मृदुल वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में इनकी बात किया है तो मणिपुर में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के यहाँ बात करने वाले हैं, जो हमारे क्वेश्चन है वो है करंट अफेयर्स के ही है, वन हम यहाँ पे फैक्ट की बात नहीं करेंगे, बस वन लाइनर के माध्यम से बात करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टर प्रोसेस डे कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, जो 20 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो जयपुर में किया गया, जयपुर राजस्थान में स्थित है। जयपुर में 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पीडीएफ नोट्स वगैरह पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है सोशल साइट के, आप सबको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्री में प्रोवाइड होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 में कैंबियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता हुआ है? तो यूके, मतलब कि ब्रिटेन में 2023 में कैंबियन गश्ती सैन्य अभ्यास हुआ, वहां पे स्वर्ण पदक उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ अपने नाम कर लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में अटारी बाघा बॉर्डर पर कितने फीट ऊंचा तिरंगा को फहराया गया? तो 418 फीट, याद रखिएगा, 418 फीट ऊंचे तिरंगे को बागी अटारी बाघा बॉर्डर पर फहराया गया है, और अपने आप में अच्छ नाम भी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो उड़ीसा राज्य की राज्य सरकार है, उसने मक्की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है। तो उड़ीसा राज्य ने क्या किया, मक्की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो 2030 तक भारत क्या है, वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश के रूप में जाना जाएगा। हाल ही में कहां बहुप्रतीक्षित विस्टाड्रोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, कहां पे, जम्मू कश्मीर में विस्टाड्रोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया, जम्मू कश्मीर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी राज्य सरकार है पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना के लिए शुरुआत की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना के लिए हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरुआत की है। तो आज के हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी, 20 कॉन्फ्रेंस की, यहाँ मैंने बात की है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इन सारी कॉन्फ्रेंस को आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंडों के साथ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।